नमस्कार दोस्तों मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मे चैनल दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रजिस्ट्री एडिटर क्या है और इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं और किसी भी रजिस्ट्री फाइल को एडिट कर सकते हैं लेकिन इससे पहले जानना ज़रूरी है कि रजिस्ट्री फाइल क्या है मतलब विंडोज़ रजिस्ट्री है क्या दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि विंडोज़ रजिस्ट्री जो है वो एक हरिकल डाटा कर सकते हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है मतलब कि जैसे हम कोई भी ऑनलाइन अपलिकेशन यूज़ कर रहे हैं अमेजन यूज़ कर रहे हैं या कोई वेबसाइट यूज करें तो उसका अपना डाटा बेस रहता है या इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है इवन कि अगर विंडोज एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं कस्टमाइज करके किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से बनवा रहे हैं तो वो क्या करेगा कि एम एस एक्सेस डाटा बेस को जो माइक्रोसॉफ्ट का है एम एस एक्सेस उसका यूज़ करेंगे इसी तरह कोई भी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होता है ऐसे जो ब्रांडेड कंपनी का रहता है वो क्या करता है कुछ इन्फॉर्मेशन को जिसको कस्टमाइज किया जा सकता है या बाद में अपने अनुसार सेटिंग चेंज किया जा सकता है कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है तो उसके लिए रजिस्ट्री फाइल को उसमें ऐड कर देता है जिन्हें ही रजिस्ट्री फाइल ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो एज ए डाटा बेस इम्पोर्ट कर लेगा और रजिस्ट्री फाइल में इम्पोर्ट हो जाने के बाद वहाँ से उसका कॉन्फ़िगरेशन या जो भी सेटिंग है कर सकता है जैसे कि आप लोग अगर अब इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उसका रजिस्ट्री फाइल बनता है या कहीं से अगर आप उसका की डाउनलोड करते हैं तो उसमें सीधा रहता है कि रजिस्ट्री फाइल में जा करके आप चेंजिंग करके ये ये यूजर नेम दे दीजिए और ये उसका जो सीरियल की है वो दे दीजिए डिफरेंट टाइप से तो इस तरह से उसका यूज किया जा सकता है तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि आप कैसे रजिस्ट्री फाइल को एडिट कर सकते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए अगर विंडोज सेवन है तो स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए आपको रन का ऑप्शन आ जाएगा आप सभी चूंकि जो रजिस्ट्री एडिटिंग का सोच रहे हैं तो रन ऑन करना तो जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं तो विंडोज आर कर दीजिए रन डायरेक्ट आ जाएगा और अगर स्टार्ट बटन ऑन कीजिए सर्च करने के लिए आ जाएगा तो वहाँ पे आप सर्च कीजिए टाइप कीजिए आर ई जी ई डी आई टी ऐसे कर सकते हैं अगर रन में जा कर रहे हैं तो आर ई जी एडिट डोट एम एस सी कर सकते हैं और नहीं तो सर्च से कर रहे हैं तो आर ई जी एडिट डायरेक्ट कर दीजिए ऑटोमेटिकली ऊपर आपको प्रोग्राम में आ जाएगा रेज एडिट मतलब रेज टी को इंटर मारिए जिन्हें इंटर मारिएगा आपको रजिस्ट्री एडिटर खुल जाएगा और आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों इस तो इसके बारे में और जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट कीजिए उससे आगे के मैं बता दूंगा कि और अगर आपको समझ में आ रहा होगा यूजफुल होगा तो इस मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद